आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं iOS 15.4 के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। अब ये तो आप जानते हैं कि iOS 15.4 में अब आप अनलॉक कर सकते हैं अपने आईफोन को फेस आईडी की मदद से जब आपने पहन रखा है एक मास्क। लेकिन यहाँ पे एक नया हिडन फीचर है जिसकी मदद से आप अनलॉक कर सकते हैं अपने आईफोन को फेस आईडी की मदद से जब आपने पहन रखा है ग्लासेस। तो इसके लिए जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है फेस आईडी एंड पासकोड वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना पासकोड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फीचर एनेबल्ड है जो है फेस आईडी विथ मास्क। उसके नीचे एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऐड ग्लासेस का, इस पे करेंगे क्लिक। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि फेस आईडी विथ मास्क ग्लासेस के साथ सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि अगर आपने ग्लासेस और मास्क दोनों पहना है तब ये फीचर काम नहीं करेगा। इसके बाद हम प्रेस करेंगे कंटिन्यू पे और यहाँ पे ये मुझे पोजीशन करने कह रहा है तो इसको कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं कुछ ऐसे। और कह रहा है कि स्कैन कंप्लीट हो गया है, प्रेस करेंगे डन पे और एक बार फोन को करेंगे लॉक और देखते हैं कि अनलॉक करता है या नहीं। और इसने बहुत बढ़िया तरीके से अनलॉक कर लिया, एक और बार ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ग्लासेस को और अनलॉक कर सकते हैं अपने आईफोन को फेस आईडी की मदद से। अगला जो हिडन फीचर है वो है नोटिफिकेशंस शेड्यूल्ड समरी में। तो इसके लिए जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूल्ड समरी का ऑप्शन। अगर आपने इसे एनेबल नहीं किया है तो इसको एनेबल कर दीजिए। इसके बाद जाना है इस ऑप्शन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया ऑप्शन आ गया है जो है वीकली नोटिफिकेशन एवरेज का। ये पहले डेली एवरेज था, अब ये वीकली एवरेज है। और नीचे आप देख सकते हैं सारे ऐप्स और ये एक तरीके से ये बताते हैं कि आपको एक ऐप से कितने नोटिफिकेशन आते हैं एक वीक में और उसके हिसाब से आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं अलग अलग ऐप्स में। अगला जो हिडन फीचर है वो है ऐप स्टोर ऐप में। तो जब आप पहली बार ओपन करेंगे ऐप स्टोर का ऐप iOS 15.4 में तो आपको ऐसा वाला एक अपडेट आएगा जहां पे आप एनेबल कर सकते हैं नोटिफिकेशंस को ऐप स्टोर में, जहां पे आपको ये नोटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से ऐप में क्या नया फीचर आया है और उनमें क्या ऑफर्स और अपडेट्स हैं। इसके बाद जाना है टॉप राइट कॉर्नर में और क्लिक करना है अपने अकाउंट पे और यहाँ पे आपको दिखेगा एक नया ऑप्शन जो है नोटिफिकेशंस, इस पे करेंगे क्लिक। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है न्यू फीचर्स एंड अपडेट्स का और दूसरा ऑप्शन है रिकमेंडेशंस एंड ऑफर्स का। इन दोनों को आप एनेबल करके रख सकते हैं। अगला हिडन फीचर है सफारी में। तो अगर आप सफारी में यूज करते हैं एक्सटेंशंस तो ये फीचर आपके बहुत काम में आएगा। आपको इसके लिए प्रेस करना है इन डबल ए वाले आइकन पे और उसके बाद जाना है मैनेज एक्सटेंशंस पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया सर्च बार आ गया है जहाँ पे आप टाइप करके किसी एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास एक ही एक्सटेंशन है लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं और फिर आसानी से यूज कर सकते हैं सफारी में। अगला हिडन फीचर है म्यूजिक ऐप में। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं म्यूजिक ऐप के आइकन पे तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो है प्ले मोस्ट रिसेंट का। यहीं से आप प्ले कर सकते हैं अपने रिसेंट सॉन्ग्स को बिना म्यूजिक ऐप में जाए। अगला हिडन फीचर है स्कैन टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं नोट्स ऐप में हूँ और मैं क्लिक कर रहा हूँ इस कैमरा वाले आइकन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैन टेक्स्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे है और ये ऑप्शन अब अवेलेबल है अलग अलग ऐप्स में iOS 15.4 में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आता हूँ रिमाइंडर्स ऐप में और क्रिएट करता हूँ एक नया रिमाइंडर तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैमरा का आइकन है, इस पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैन टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। ऐसे ही अगर हम जाएंगे मेल ऐप में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैन टेक्स्ट का एक आइकन यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर हम करते हैं इस पे प्रेस तो आप देख सकते हैं कि कैमरा ओपन हो जाता है और यहीं से आप टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं और फिर उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने मेल बॉडी में। क्या आपको iOS 15.4 को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं मेरे रिव्यू को तो इस वीडियो पे अभी के अभी क्लिक करो। यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे मिलने आऊँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।